One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. ये इसका जो है खाली उतरे रखो कौन सा बाहर है, इसके पास लाइसेंस है या नहीं है, कब से कैफे स्टाइल है, उसका फुल है, कब से यहाँ पे दारू का धंधा चल रहा है? पहली बार क्लास में आया है, कोई क्लास में आया नहीं, तो जो हुक्का बार है, हुक्का बार कोई हमारा लाइसेंस नहीं है। यहाँ पे पुराने का कब से यहाँ पे काम चल रहा है? ये तो दान कभी जो बराबर हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है इसमें जो इसको बताया जो रेट लिखे हुए हैं इसमें कि ब्रांड अधिकारी अधिकारी के पद पे एक हफ्ते पहले इस जनपद में ज्वाइन किया है और मैंने आते ही यहाँ पे दुकानों पे भी छापेमारी की है और अवैध जहाँ दारू पिलाई जा रही है उन पे भी छापेमारी की है। कल मैंने सेक्टर 18 में भी छापेमारी करके अवैध शराब की जो पिलाने की जगह थी उसको ध्वस्त किया था और मेरे सूचना तंत्र ने मुखबिर ने बताया कि हमारे विभाग के ही मिली भगत से यहाँ पे अवैध बार चलवाया जा रहा है। तो मैं अपने 4 सिपाही लेके और इस मौके स्थल पर पहुँचा और मैंने यहाँ पाया कि यहाँ 20 लोग दारू पी रहे थे और ये जो बार का मैनेजर है उसको मैंने गिरफ्तार किया है और फ़ोन करके मैंने यहाँ के इंस्पेक्टर मिस्टर महेंद्रपाल जो यहाँ पिछले 6 से तैनात हैं इनको मैंने बुलवाया है। अभी सर जहाँ अब इन पर इनके खिलाफ़ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, अगर कुछ ऐसा पाया गया कि इनकी मिली भगत इसमें है तो निश्चित तौर पे कड़ी से कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये तो एक आपरण उठाया हुआ है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में शराब से संबंधित कोई भी अवैध कारोबार नहीं करने दूंगा, इसका पर्दाफाश करके रहूँगा। ये चलता हुआ बाहर यहाँ 18 सेक्टर जैसी इंपॉर्टेंट जगह में मैंने इसको सीज किया जाएगा, क्या कार्रवाई? मैं सीज करूँगा और इसके खिलाफ जो है थाने 20 में विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कराऊंगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। टैप टैप हाँ सर, इस तरह से इतना हाईटेक सिटी में कितना अब तक चूना लगा चुके होंगे ये लोग आबकारी विभाग को? ये करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके होंगे अगर ये 4-5 से चल रहा है इस तरीके से, जिसकी संभावना नजर आ रही है जितना व्यवस्थित तरीके से यहाँ दारू पिलाई जा रही है तो निश्चित तौर पे काफी लंबे समय से चल रहा है। जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ विभागीय सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा नाम बताओ क्या? नरेश मिश्रा। एक महीने स्टार्टिंग से ओपनिंग से। कितना टाइम हो गया ओपनिंग? 3 महीने में यहाँ पे किस तरह की लाइसेंस? सिर्फ हमारे पास बाहर का नहीं है, बाकी सब हमने अप्लाई कर रखा था, अभी काम चल रहा हमारा, मतलब बाद में फाइल वाइल करने की कोशिश कर रहे थे हम बाहर लेने के लिए, बट अभी वही कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए हम ले नहीं पा रहे थे लाइसेंस। कौन लोग? मिस्टर चेटी पराशर, मिस्टर विष्णु, पहला नाम एक लक्ष्मी नगर, एक सेक्टर 31 और लक्ष्मी नगर रहते हैं, कौन 31 रहते हैं बताओ। ये तय कर दी, ये तो बहुत दिनों से है यार, तीन महीने पहले बाहर मैं नहीं आई। दिनेश भैया अब तुम्हारे कैमरे में तो मेल हो जाएगी। कैमरे में कहाँ मेल होती है? तुम्हारे कैमरे में मेल हो जाएगी। मालिक आएगा नहीं, मालिक के चक्कर में बुला जाओ मालिक, नाम बताया तुम्हें मालिक का, एड्रेस है? नमस्कार, लाना सर, मेरा बैलेंस ही नहीं है, इसको बोल रहा हूँ।
हेलो हमारे को सर्दी घाव पकड़ा गया था सर्दी घाव पकड़ा गया था आया तो बहुत ज्यादा इधर है इधर आप अपना नाम बताओ अभी हुआ ये पिला पिला के खाली बार खाली केसर जो है अनऑथराइज लिकर